नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दर्शकों कि नगर निगम चुनाव की चर्चा जोर पकड़ ली है। चाय की दुकान हो या कोई नुक्कड़ या फिर चौक चलाना, सिर्फ और सिर्फ वहां पर चुनावी चर्चा हो रही है। जिला का 125 वर्ष पूरा होते ही डाल्टनगंज नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया, यानी कह सकते हैं कि तोहफा के रूप में डाल्टनगंज को नगर निगम बनाया गया और साथ ही शुरू हो गई चुनावी सरगर्मी। सभी प्रत्याशी, जो भावी प्रत्याशी हो या प्रत्याशी वर्तमान वार्ड पार्षद, तमाम लोग जनता को रिझाने में जुट गए हैं। सभी लोग जनता का अपने आप को सेवक बतला रहे हैं। आपने गाना जरूर सुना होगा, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे आप माने चाहे तो न माने। जनता को सब लोग अपना कहते हैं कि रिझाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे, हर तरह के आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है पिंटू जैन, इनकी पत्नी बबीता जैन, यानी पुराना वार्ड नंबर 11 से वार्ड पार्षद रही है। चूंकि यह सीट पहले महिला के लिए रिजर्व था, इस बार जनरल कर दिया गया और यह वार्ड अब 11 से तब्दील होकर 29 में हो गया है। और इस बार ये खुद चुनाव के मैदान में अड़ गए, यानी पिछला चुनाव में कहे कि पत्नी ने संभाली थी वार्ड की कमान और इस बार पति संभालेंगे बागडोर। सबसे पहले तो पत्नी के क्रियाकलाप पर, उससे पहले आपको सिटी न्यूज में आपका स्वागत है पिंटू जी। पत्नी के क्रियाकलाप पर कितना आपको भरोसा है कि उनके रहते भर में काम कितना अच्छा हुआ कि आपको लोग पसंद करेंगे? सबसे पहले वार्ड 29 की जनता को मेरा प्रणाम। मैं जितना भी वादे मेरे पत्नी ने किए थे, करीब करीब 99% उस पर पूरा खरा उतरे। जैसे कि राशन कार्ड हुआ, इंदिरा आवास हुआ, शौचालय हुआ, 25 लाख का अर्जुन शौचालय बनवाया, रोड बनवाया, धोबी मोहल्ला का सुबह सदन गाँव तक चारों तरफ जो भी हमसे बना हम पूरा किया। सवाल ये है कि इस पिछला बार पत्नी थी चुनाव के मैदान में, एक महिला का समर्थन ऐसे भी लोगों के साथ झुकाव हो जाता है, तो क्या ये लोगों के दिख नहीं आएगा कि पत्नी के बाद पति आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है? पत्नी चुनाव लड़ी तो हम भी मदद किए उसको, वो भी मदद की हमको, दोनों का विचार भी मिला और जनता का काम भी किया। बागडोर चाहे पत्नी के हाथ में क्यों न हो, लेकिन पति का साथ मिला। और ऐसे तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि हर पत्नी के पीछे पति का एक बहुत, या पति का सक्सेस पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, तो इस बार पत्नी की कितनी भूमिका होगी? पहले भी रहा, अभी भी रहेगा सब। क्या लगता है कौन सा काम अभी तक नहीं हो पाया? करीब करीब सब काम जो भी वादा किए थे, करीब करीब 99% काम हुआ। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे वार्ड में अगर हम गंदगी की बात करें तो गंदगी अभी भी नहीं, वो सुधार नहीं हुआ है। नहीं, पहले धोबी मोहल्ला चौक और हीरा मंदिर चौक और नवाहता में गंदगी पूरा चौराहा पर पूरा पड़ा हुआ रहता था, लेकिन मेरे चुनाव जीतने के बाद तीनों जगह से कूड़ा का डंप हटा दिया गया। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है वार्ड नंबर 11 से। सबसे बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं कि और कुछ मानते हैं? कूड़ा भी करते जमा होना, कोई खड़ा नहीं हो सकता था। मंदिर भी बगल में है, हीरा मंदिर, शिव मंदिर, वहाँ डंप लगा हुआ रहता था कूड़ा का, वो डंप वहाँ से हटा दिया। हम आपकी वार्ड की बात करें, बता दें कि पूरी हार्ट ऑफ द टाउन यानी बीच बाजार में इनका वार्ड पड़ता है, और ऐसे में सेवा सदन रोड हो या जो भी, आए दिन वहाँ पर जो यातायात की जो व्यवस्था है वो एकदम चरमराई रहती है। वहाँ पर हर दिन कह सकते हैं कि घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं, अगल बगल दुकानें खड़ी हो गई है, यानी पूरी तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। उस रोड की स्थिति बहुत बदतर है, ऐसे में कहीं पर गंदगी दिखना या कहीं पर उसके चलते भी परेशानी होना, तो क्या इसके लिए कभी आवाज आपने नहीं उठाया? यो सर को बोले कि सर गंदगी मेरे वार्ड में, वो ध्यान भी दिए यो सर। ऐसा बात नहीं है कि अभी मेरे यहाँ पर आकलन कर लिया जाए मेरे यहाँ गंदगी कहीं, लेकिन अभी की बात। हाँ, अगर हम लोग अपना टीम गया तो वहाँ तो गंदगी गंदगी का नजारा हम दिखा सकते हैं आपको कि गंदगी है। सुबह क्या मानते हैं, मानते क्या कि अगर गंदगी है तो उसके पीछे रीजन क्या है? सुबह के टाइम में गंदगी मान सकते हैं, 8 बजे के पहले तक, 8 बजे के बाद गंदा नहीं रहता है। 8 बजे के बाद गंदा नहीं रहता, यानी गंदगी को सफाई करते हैं। आपकी उपलब्धि इसी को सबसे बड़ी मानते हैं? सफाई मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि मेरा यही है। वार्ड की सिर्फ सफाई करा देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वार्ड की समस्या अलग है। किसी को वृद्धा पेंशन की जरूरत हो तो किसी को लाल कार्ड के, किसी को राशन कार्ड का, किसी को जो जरूरतमंदों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को
क्या इसको बोलते हैं आवास निर्माण कराना, तो इसमें कितना परसेंट सक्सेस हुआ है? पूरा 100% 52 आवास दिए हैं। 52 आवास दिए हैं। और क्या लगता है जरूरतमंदों को मिला कि और प्योर जो गरीब तबका का जिसका थोड़ा सा जमीन भी कम था वो सर मदद की है, वो पायलट भी मदद की है, सभी गरीब का कहते हैं पूरा आवास बना है, आवास बन गया। तो क्या बस यही आवास बन गया सभी का, जैसे राशन कार्ड मैंने 433 लाल कार्ड दिए, 113 दिए उजला कार्ड, 86 वृद्धा पेंशन दिए और 129 शौचालय दिए। तो क्या लगता है कि इस ये इस जो काम किए हैं इसका कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल, जनता देखिए जो काम किए हैं जनता पर आपको भरोसा है पूरा कि आपको अगले बार भी साथ देगी, अगले बार भी साथ देगी। जनता पर भरोसा है क्योंकि इन्होंने काम किया है और अपने क्षेत्र का विकास किया, यानी सरकार की जो योजना इन्हें मिली यानी नगर निगम को जो सुविधा मिली वो जनता तक पहुंचाने का काम किया, यानी जो जरूरतमंद है उनके बीच में काम किया। क्या लगता है पत्नी का कितना साथ मिलेगा इस बार? पूरा साथ मिलेगा, पूरा परिवार का मिलेगा, पूरा जनता का मिलेगा। जनता चुनाव जीतने के प्रति कितना लगता है क्या? नहीं, चुनाव तो मेरा मालिक जनता है, जनता अगर चाहेगी अगर विकास किए होंगे तो उनको जनता वोट देगी। वैसे तो चुनाव में बता दे दर्शकों कि चुनाव में जनता ही जनार्दन होते हैं, जनता के हाथों में ही कमान होती है कि वो किसे वार्ड पार्षद के कुर्सी पर बैठाए, यानी सरताज किसे बनाए और किसे अपने दिलों से दूर करें। लास्ट प्रश्न आपसे कि आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे अगर मैं काम किया हूँगा तो हमें वोट देंगे, बाकी आपकी मर्जी। यानी आप जनता दर्शक हैं, आप देख रहे हैं और आपको पता है कि पिंटू जैन जी आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर इन्होंने अपने कार्यकाल यानी अपनी पत्नी का कार्यकाल बबीता जैन के पीरियड में इन्होंने काम किया हो, आपके विश्वास पर खरा उतरा हो और अगर आपकी जरूरतमंद हो यानी आपके सुख दुख का हम सफर बना हो तो आप इन्हें साथ दें, यही इनका अपील है। वैसे तो जनता आप हैं, वोट देना आपका काम है, आप दर्शक हैं, जनता है और हम आपको बता दें कि मत का अपना प्रयोग करना आपका कानूनी अधिकार है, मत देने अवश्य जाइए, लेकिन ठोक ठिठा के बाद एक कहावत आपने सुनी होगी, देहाती कहावत है कि ठोक ठिठा कर वोट देना, यानी समझ बूझ कर वोट देना कि आप किसे वोट दे रहे हैं, आप अपने वार्ड के प्रत्याशी किसको चुनते हैं, आप अपने वार्ड का मसीहा किसे चुनते हैं, क्योंकि ये जब एक बार आप मसीहा चुनते हैं तो आप 5 सालों तक अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो 5 सालों तक आप उनके पीछे पीछे फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहे और उनके पीछे चले, तो ऐसा न हो कि आप ऐसे आदमी को जरूर ऐसे शख्स को जरूर वोट दें, ऐसे प्रत्याशी को जरूर वोट दें जो आपके सुख दुख का हम सफर बने, आपके आपको हर जरूरतमंद जो नगर निगम से मिलने वाली सुविधा आप तक पहुंचा सके। चलिए पंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।